तो चलिए, आयरन का काम थोड़ा बहुत हो गया, हाफ हाफ से ज्यादा हो गया है, क्योंकि टाइम देख रहे हैं 1 बज गया है। लंच बनाना है, लंच नहीं बनाया है, सुबह से उठे हैं, बस थोड़ा बहुत इधर उधर काम किया, उसके बाद ये आयरनिंग करने आए, क्योंकि ऑफिस खुल गया ना, तो अब रेगुलर कपड़ा में इनका आयरन चलते रहता है। और ये वाला मैं इसको अभी बाहर निकाल के रखे है, इसमें पानी पूरा फिल किए हैं, क्योंकि ये खत्म था पानी, तो डेली डेली सुबह में करना पड़ता है, तो उस समय याद नहीं रहता है कि पानी खत्म है, उसको फिल करना है, फिर ये आयरन निकाल के हमको करना पड़ता है। तो चलिए पहले लंच बना देते हैं, ये अभी ऑफिस से आएंगे तो फिर लंच करेंगे। रिशित लंच करने के लिए बेकरार है, पहले अच्छा था, कोरोना में आयरनिंग का काम उतना नहीं होता था, आराम से मस्त रहता था, कि कभी कभी मेरे कपड़ा में हो जाता था, इनका तो बिल्कुल नहीं होता था ऑफिस वाला। अभी तो ऑफिस वाला शर्ट ज्यादा हो रहा है आयरन करने के लिए, क्योंकि अब ऑफिस जाने लगे हैं तो वो, और रिशित का कपड़ा छोटा है, स्टीम वाला में आराम से हो जाता है। दाल और सब्जी बना के गए थे, बस रोटी बनाना है। तो चलिए यहाँ पे ये रहा हमारा लंच, दाल है, आलू, बैंगन की सब्जी, अचार और मिर्ची। रिशित खा लिया, हम भी खा लेते हैं, झाजी अभी ऑफिस से नहीं आएंगे तो खाएंगे, क्योंकि बोले हैं लेट होगा थोड़ा सा, और अब मुझे लगी है भूख, हम कर नहीं सकते हैं उनका वेट। तो चलिए खाते हैं, अगर आप लोगों को भी खाना है तो आइए हमारे घर। झाजी कैसा खाना है? बैगन हमने खाते हुए खाना चालू कर दिया, एक नंबर टेस्टी बनता है भाई। बैगन आलू टमाटर ना, टमाटर तो नहीं दिख रहा, गला हुआ है लेकिन खाने लग गया ना, बोले दबाने लग। जाजी एक सवाल है तुझसे, क्या तुम दोगे जवाब? कबूल है, कबूल है, कबूल है। नहीं सुन तो ले, कबूल। अरे सुन तो लो सवाल पहले। सवाल है, एनिवर्सरी आ रही है, क्या दोगे? क्या दोगे? एनिवर्सरी आ रही है, हम अपना प्यार दे देंगे, अपना दिलो जान दे देंगे, निछावर कर देंगे तेरे पे। नहीं ये लंबा लंबा नहीं है, एनिवर्सरी आ रही है, टाइम आ गया एनिवर्सरी का, हम आपको ऊपर से नीचे तक लाद देंगे एकदम गहनों से। क्या बकवास करा लो, एनिवर्सरी आ रही है, कालिया कब एनिवर्सरी, कब एनिवर्सरी, कब एनिवर्सरी कालिया सुन, पांच को पांच बताता हूँ पूछ के ना देंगे कुछ, कुछ दे देंगे तो दिखा देंगे, बता देंगे कि कुछ दिए हैं, पता नहीं कुछ देंगे कि नहीं। चलिए कोई नहीं, अपना एनिवर्सरी में अपना इंतजाम करना चाहिए, समझे? चलिए सब्जी है, सब्जी है, हम बोले एनिवर्सरी में, हम बोले नया एनिवर्सरी में नया मोबाइल दे दीजिए, इस मोबाइल में अब हम ना थोड़े काले काले दिखते हैं कि नया मोबाइल दीजिएगा तो थोड़ा और गोरे लगेंगे, सुंदर लगेंगे। ये आदमी सुना नहीं मेरा बात, मोबाइल हम आपको ना एगो ना मोबाइल क्लीनर दे देते हैं, उसको क्लीन कर दीजिए कैमरा को। नहीं नहीं मोबाइल में प्रॉब्लम आ गया है, गिर गया मेरा मोबाइल, एक कैमरा इसका थोड़ा सा चम्मच। तो चलिए इनको खाना देते हैं, रिशित को क्लास में छोड़ दिए है, क्लास से आएगा पिकअप करना है बस। और यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये लौकी है लास्ट ईयर का, और एकदम हल्का है, ये बाहर में था इतने दिन से ये दोनों, और इसको ना हम लोग दो लौकी को ना हर साल छोड़ देते हैं कि सीड बन सके, ताकि नेक्स्ट ईयर उसको ग्रो कर सके, तो उसको छोड़ दिए थे, इसके अंदर बहुत सारा सीड है, निकाल के देखते हैं, क्योंकि अब ग्रो करने का टाइम आ गया है, मार्च के फर्स्ट वीक से ग्रो करेंगे इसको। पहले ये देखो इतना सीड निकला, इसमें से ग्रो कितना करेगा वो पता नहीं, लेकिन निकला तो इस बार भी बहुत है, इस बार तो उस बार से ज्यादा निकला है, दो निकला है इसके अंदर और है देखते हैं, लेकिन इससे नहीं निकला, ये देख रहे हैं बिल्कुल ये खोखला है, इसमें बिल्कुल नहीं निकला, और इसमें बहुत सारा निकला है, लेकिन इसको पानी में फिर डाल के रखेंगे, जो नीचे बैठ गया
तो कैसे समझेंगे कि अच्छा सीड कौन सा है और खराब सीड कौन सा है, कौन सा ग्रो करेगा और कौन सा नहीं करेगा। जिसको पानी में डाल देंगे और पानी में डालने के बाद जो अच्छा वाला सीड रहेगा ना पानी के नीचे सतह पे आ जाएगा, जो खराब सीड रहेगा ऊपर तैरने लगेगा, तो वो सीड को ग्रो नहीं करना है। तो जो अच्छा रहेगा वो नीचे जाके बैठ जाएगा। इससे पहचान करते हैं कि कौन सा सीड लगेगा। और ये देख रहे हो, ये सीड मेरा करेला का है। जब भी घर में आया है, ये तो है कि गार्डन वाला से थोड़ा बहुत है, बाकी घर में जो करेला लाते हैं और वो पक जाता है तो उसको इस तरह से निकाल के सुखा के ड्राई करके इसको रखे हैं। तो ये रहा हमारा करेला। करेला का सीड इस बार बहुत है, ये इतना करेला का सीड है और इतना लौकी निकला है। लौकी को देखना है कि कितना निकलता है, ग्रो भी तो करना चाहिए, रहने से नहीं होता है। और यहाँ पे बन रहा है हलवा और उधर चाय चढ़ा हुआ है झाजी के लिए शाम का नाश्ता में। चलिए झाजी का यहाँ चाय हलवा आ गया है। झाजी अपने ऑफिस में बरकरार, बस हो गया काम खत्म, चल गया काम खत्म हो गया, पर खा लीजिए। उसके बाद मेरा थोड़ा हेल्प करना है आपको एक। ये सब नहीं होगा, इतना काम करने वाले हम थक चुके हैं, हम भी थक चुके हैं। अभी घर का जितना प्लांट है सबको उठा के इस टेबल पे रखना है। कल है डीप क्लीनिंग डे। देख रहे केला मस्त हुआ है, ये सबको उठा के ऊपर टेबल पे रखेंगे। कल है सुबह में डीप क्लीनिंग डे, तो आराम से काम करने में मजा आएगा फिर। और ये भी एक और लीफ निकला है, ये देखे। जय तुलसी मैया, जल्दी से धूप आए बाबा, सूख रही है तुलसी मैया, कैसे बचाएं आपको जर्मनी जैसे ही झंड जगह में। चलिए चाय पीते हैं, थोड़ा सा हलवा खाते हैं और झाजी को बोले हैं थोड़ा हेल्प करने, कर देंगे तब ना। कल है हमारा डीप क्लीनिंग डे, तो सारा काम करना पड़ेगा ना। रात में सारा सामान को ना अपने अपने जगह से उठा के एक जगह जमा कर देते हैं, सुबह से कमर बांध के जो काम करने के लिए तैयार होते हैं, 3 घंटे में पूरे डीप क्लीनिंग हो जाता है। तो चलिए फटाफट, फिर डिनर भी बनाना है, 6:30 हो गया। दम लगा के देखो ना, दम लगा के एनिवर्सरी में गिफ्ट नहीं दोगे तो यही सब करना पड़ेगा, उससे अच्छा तुम गिफ्ट दे दो। गिफ्ट देंगे तो नहीं करना है ना। चलो चलो वो केला का भी सब उठा, गिफ्ट दे दे। सब यहाँ पे रखना है। आपको क्या है, सिर्फ रखना है, हमको क्या है, पूरे घर का डस्टिंग करना है। ये भी हम सोच रहे हैं कि हटा के चेंज करें, क्या सोच रहे हैं? किसको कहाँ रखना है? उठाइए बनाना, उठाइए। थिंकिंग कर रहे हैं झाजी, पता नहीं कहाँ खो जाते हैं। और उधर साइड में होगा दो पेड़ और। यहाँ पे डाल रहे हैं दही, सोयाबीन को मैरिनेट करना है, बनने वाला एक सोयाबीन बिरयानी, उसके लिए हमें सोयाबीन को मैरिनेट करना है, इसके लिए दही ऐड करेंगे। दही में जाएगा हमारा सारा मसाला, लाल मिर्च, हल्दी, जो मसाला आप खाते हैं सब मसाला डाल सकते हैं, और नमक, गरम मसाला, थोड़ा सा यहाँ पे हम डाल लें चाट मसाला, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसे। और यहीं पे जाएगा किचन किंग, इसमें ऐड करेंगे लेमन, टर्ड ऑयल, सोयाबीन जिसको बॉईल करके इसका पानी पूरा निचोड़ के रखें, फिर यहाँ पे ये देख रहे हैं ये अंडा है, तो मस्त पकौड़ा इसे फ्राई करके डालते हैं बिरयानी में, तो हमको बहुत पसंद है ऐसे बनाते।
आप चाहे तो अंडा को रोस्ट करके आराम से तेल में फ्राई करके डाल सकते हैं, लेकिन हम ऐसे डालते हैं। तो चलिए यहाँ पे ये प्याज हमारा भुना चुका है, मसाला भी इसमें डाल दिए हैं। अब इसमें जाएगा जो मैरिनेट करके रखे थे हम सोयाबीन, वो जाएगा। जब लेयर लगाएंगे उसके ऊपर डाल देंगे। तो मेरे घर में आजकल जब भी बिरयानी बनता है तो थोड़ा सोयाबीन डाल के बनता है, ताकि इनको मजा आता है खाने में। और यहाँ पर ये हमारा राइस हाफ कुक हो चुका है, ये देख सकते हो, ये हाफ कुक हो गया। अब इसका लेयर लगाते हैं। चलिए उसमें थोड़ा सा नीचे बॉटम में घी डाले हैं, और ये जाएगा फर्स्ट लेयर हमारा, ये सोयाबीन वाला है। यहाँ पे हम दोनों ऑनियन यूज किए हैं, एक फ्राइड ऑनियन, एक हल्का फ्राइड होममेड जो होता है वो डाले, ताकि ये ना जब खाते हैं ना तो ये आता है तो बहुत ही टेस्टी लगता है। यहाँ पे दो ऑनियन यूज किए हैं, और ये रहा बिरयानी मसाला। चलिए ढक दिए हैं 15 मिनट तक, इसको लो फ्लेम पे पकने देते हैं, तो हमारा बिरयानी तैयार हो जाएगा, उसके बाद गरम गरम खाया जाएगा। तो चलिए बनने देते हैं, कैसा बनता दिखाते हैं। और यहाँ पे मेरा गरम गरम बिरयानी बन के तैयार है, और झाजी करेंगे उसे ग्रहण। झाजी खाने से पहले भगवान को प्रणाम कीजिए। भगवान आपको, हे भगवान धन्यवाद कि हमें अन्न प्रदान कर रहे हैं, है ना। हम लोग तीनों भी आजकल यही करते हैं। तो चलिए हम लोग खाते हैं। झाजी खा के बताइए जल्दी फटाफट कैसा बना बा। ए भाई नो प्रेशर। प्रेशर कौन मार रहा है मेरे को, तो एक नंबर लगा क्योंकि हम ही बनाते हैं। खराब भी बनेगा तो हम अच्छा ही बोलेंगे। आजकल दो चीज शुरू की है, एक तो भगवान को प्रणाम ऋषिक को सिखाने के लिए, और दूसरा गणेश जी का सीरीज लगाए हुए हैं, वो देखते देखते खाते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एनिवर्सरी आ रही है, क्या दे रहे हो? हम प्यार देंगे, अपना दुलार देंगे। चलिए कुछ ना देंगे, बाय बाय।